अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोगों का वेलकम है यासिन शेख ब्लॉग में। आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज संडे है, तो अमीर भाई भी छुट्टी पे रहते हैं, तो मेरी भी आज काम की छुट्टी है। तो अमीर भाई का जस्ट अभी मुझे फ़ोन आया था, बोले चलो माड़ा घूम कर आते हैं। फातिमा रेडी हो रही है, क्या बोलना चाहेंगे तुम? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड लोग, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आप लोगों का वेलकम है सवाल यासिन शेख के ब्लॉग में। तो मैंने आराम को मालिश करके सुला दी, तैयार है, बर्तन धोऊंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। आज खाने बनाऊंगी, मेरे शौर को नहीं बोल सकते, आपको भला बोल दूंगी। हाँ तो मैं भी तो तुम्हारे सामने ही हूँ ना, पता तो चली जाएगा। नहीं नहीं, आप लोगों को माड़ा से आने के बाद दिखेगा। अच्छा ऐसा है, अभी नहीं बोलेगा? नहीं। अरे वाह, आमिर भाई तो यहाँ पर खड़े हैं यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? बस ठीक हूँ। कैसे? वालेकुम अस्सलाम। और कैसे अमरीन? माशाल्लाह, गाड़ी नहीं लग रहा है आज? नहीं रे भाई। हाँ भाई सही, वो अलग से लेके चलने बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत भारी पड़। चलो चलते। अमरीन सलाम कर दो। वालेकुम अस्सलाम। आज पानी लेके चल रहे तुम? अरे क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन उतना पानी तो तुम अकेले खत्म कर देंगे, फिर मैं क्या पीऊँगा बताओ? हाँ और फातिमा भी क्या पिएगी? फातिमा भी चल रही है ना साथ में? बेटा चलना है, रोना नहीं, ठीक है? समीर क्या लेके जा रहे बाबू तुम साथ में आज? हाँ सलाम कर दो मेरे लिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ सलाम कर रहा है। अरे मेरी बुड्ढी, आज ये ना ये ना देखो अभी क्या होता है आगे। घर पर लेकर चलाएंगे इसको। कितना रुपया कैसा दिए? कितना रुपया दर्जन? 30 रुपया दर्जन। क्या बात है यार, रुक जाओ अभी आके लेते हैं। ठीक है तो यहाँ का झरना अभी थोड़ा कम हो गया है। चलो उतरेंगे, आगे उतरेंगे, ठीक है? आगे आगे उतरना, नीचे उतरना। तो हम लोग यहाँ से दुकान पे सामान लेने आए हैं। तो बच्चे लोग अभी तो क्या लेंगे? बच्चे लोग क्या लेंगे तुम? समीर तुम क्या लेंगे? ये चॉकलेट चाहिए ऊपर वाली तुम्हारी? अरे चॉकलेट, वैसे तुम्हारे दांत सड़े हुए, तुम और चॉकलेट खाएंगे? हाँ और हाँ ना, तुमको क्या चाहिए? अच्छा ये वाला खाएंगे, क्या है? हैप्पी। और इसको क्या चाहिए? और फातिमा तो अपना सादा चिप्स इसका फेमस है, वो खाएगी तो उधर पे सुकून से जीने देगी मेरे को। मस्त खेलते हैं, लेकिन जमीन पे उतरते हैं। जमीन पे उतरने का ना कैसा हाथ? तुम गोद में क्या 12 घंटा गोद में रहेंगे क्या अब्बा के? हाँ अब्बू का हाथ दुखता है बेटा। हाँ मेरी गोद में चलो मेरा बच्चा। अरे वाह माशाल्लाह, नहीं फातिमा अच्छी है भाई, फातिमा गंदी लड़की नहीं है, आएगी ना हमारे पास भी। चैनल का नाम ब्लॉग, सब्सक्राइब करना, ठीक है? क्या नाम है तेरा? साहिल। और तेरा क्या नाम है? फरहान। राइडिंग गिरी कर रहा है? सही है, करते रहने का। यासिन शेख लिखेगा तो आ जाएगा, सिर्फ यासिन शेख लिखेंगे तो आ जाएगा। फातिमा हाँ। रोने का नहीं बेटा, मेरे साथ खेलो। बिल्कुल चलो अल्लाह हाफिज। हाँ इधर आगे रहते हम लोग, ठीक है? चलो तो गाइस ले लिया हम लोग ने इतना सारा सामान, और अपना 12:30 बजे तक की फुर्सत हो गई है अभी, माशाल्लाह। चले फातिमा, देखो बड़े अब्बू के पास चले गए भाई। फातिमा अच्छी बच्ची है, एकदम समझदार है, देखो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बोला ना छोटू? हाँ जैसे सामान लेके हुआ ना अब्बा का, इसके बोलती है अब्बू, मैं बोला ए बैठ मेरे पास चुपचाप से, ए आराम से भागो मत। देखो दोनों भाग भाग के कितना दूर चले गए। फातिमा मेरी बेटी, नहीं हाथ पास ही देना, हाथ फैला रही है, बोले हाथ फैला रही, ले लो अब्बू मेरे को। ताली मारी छोटू, हाँ मालूम है, ताली मतलब मार लेने के लिए। बाप का चाटर लड़की रे, तो मैं तुमको कुछ किया क्या? हाँ मैं तुमको कुछ किया क्या? मैं तो खाली गोद में लिया हूँ ना बेटा। हाँ बेटा अब ना तुम पहले पास ही लेंगे। चलो तो गाइस देखिए गाड़ी है, हम लोग गाड़ी के बाजू में बैठे हैं, धूप है ना बहुत, इस वजह से यहाँ पर बैठे हैं। पिछली बार हम लोग वहाँ सामने बैठे थे, लेकिन वहाँ पर गाड़ी वगैरह लगा दी अंकल लोग ने, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे। और क्या बोलते मेरे दोस्त, सब मजे में मैच खेलने हैं तो बेटा? क्या गटर में मच्छी पकड़ने हैं? नहीं गटर में मच्छी नहीं पकड़ने, मैच खेलते। चलो ठीक है, यहाँ पर बैठे हम। अरे मेरा, हेलो हेलो हेलो, अब्बू कहने जा रहे हैं? अब्बू कहने जा रहे हैं? ऐसा नहीं करते बेटा, खेलते। कब
हेलो का अमरीन क्या ले रहे तुम? छावली के लिए किधर जाएंगे? अंदर आना पड़ेगा। हाँ बहुत वहाँ पर, वहाँ पे रिक्शा भी है ना आगे, रिक्शा भी और वहाँ अच्छा भी नहीं है। हाँ वो सब बेवड़े लोग बैठते हैं वहाँ पर, हम लोग अकेले आके चला लेते हैं। हाँ खाओ 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 मेरा बच्चा, तुमको जो खाने का खाओ। हाँ फातिमा तुम भी खाओ, सीधे हाथ से खाओ, सीधे हाथ से खाओ, ये वाले हाथ से खाओ। तो गाइस अभी हम लोग ने अपना इरादा बदल लिया है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं दूसरी जगह। कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को दिखाते हैं आगे? दूसरा आप दिखाएंगे, एक एक प्लेस देखते आप लोगों को भी कंटा लगे। हाँ ठीक है, तो हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। चलो थोड़ा सा चलना पड़ेगा लेकिन अच्छी जगह, आ जाओ रोड से मेरे पास। चलो चलो फातिमा पैदल चलेंगे बेटा, पैदल चलेंगे। अच्छा रोड चलो ना। अच्छा ठीक है, मैं दूसरा बस चिपक जाओ। तो देखिए गाइस ये पारस बिल्डिंग है, ठीक है, तो इसी के बाजू में जो गली गई है ना, हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। और आगे क्या है मैं आप लोगों को दिखाता, जो यहाँ पर से मुझे देखते नहीं, उन लोगों को बराबर मालूम रहेगा कि यहाँ पर क्या है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ना। फातिमा फातिमा वहाँ उतर के खेलेंगे ना बेटा, पक्का खेलेंगे। हाँ गाड़ी, हेलो गाड़ी यार, गली गली है ना। ठीक है चलते अपन गली में, ठीक है चलो। यहाँ का कुछ सीन ऐसा है गाइस, तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए हैं पारस बिल्डिंग के बाजू वाले जो छोटे मोटे गार्डन है उसमें। चलो बस सीढ़ी चढ़ते हैं फटाफट, और यहाँ से देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखिए गाइस ऐसा ये गार्डन है, मतलब नॉर्मली ये ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादातर घास फूस है यहाँ पर। और सामने देखो एक वो बना हुआ है छावली, उसमें बैठने का मस्त। और क्या बोलते हैं अमीर भाई? और जा रहा आप सबको ना आज नया प्लेस देखने मिला क्योंकि उधर पर बैठने की जगह भी नहीं थी। हाँ इसीलिए, और हम लोग इसके लिए बोले चलो जहाँ पर बैठते थे वहाँ पर गाड़ी खड़ी हो गई। हाँ यहाँ पर इतनी जगह क्या सो सकते हैं यहाँ पर, मस्त एकदम बिस्तर डाल के लेट भी सकते, मेरा पैर वैसे ही बहुत दुख रहा है। चलिए यहाँ पर चलते हैं। फातिमा माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले ये जो रखे हुए ना भाई ऐसे लाइन से चारों कोने में रखे हुए थे। हाँ हाँ सब टूट गए ना, तो सब हटा लिए। चलो और देखो वहाँ पे झूला भी है लेकिन सब झूला वूला सब टूट गया है, सब पूरी वाट लग गई। अल्लाह अरे वो सामने झूला है ना वहाँ पर, पूरी एड़ लग गई है बेटा बेटा। इतना अच्छा गार्डन था गाइस ये, इतना अच्छा, लेकिन क्या बोले अभी, वो जब रहता है ना किसी चीज़ को कुछ कदर नहीं होती। मैं मुंगी है यहाँ पर, यहाँ पे मुंगी है आराम से। हाँ कहाँ बैठेंगे, यहाँ पर सब जगह मुंगी मुंगी दिख रही है। चलो यहाँ पे बैठेंगे, बैठो मेरे पास। अच्छा तो गाइस हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है भाई यहाँ पे? थोड़ी ठंडी हवा आ रही है मस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा लग रहा है अमरीन तुमको? तुमको कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हवा यहाँ पर बहुत अच्छी चलती है। हेलीकॉप्टर जा रही है, बाय 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 टाटा। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है ना। फातिमा के अंदर फातिमा जाओ खेलो, खेलो में आओ खेलेंगे अपन। हाँ बेटा आ रहे मेरा बच्चा, आ जा आ जा आ जा आ जा, मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी, आ जाओ। बच्चा बहुत चला है, बहुत माशाल्लाह, ऐसे इसका वो निकालने का मेरे को डर। फातिमा इतना चली कि मेरे बच्चे थक गए, देखो अभी बैठे हैं आराम से। और यहाँ पर देखो बहुत से लोग आ गए हैं अभी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो गाइस चलिए अपना वहाँ से हो गया सब कुछ, अभी 12:30 भी बज गए हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी घर पे। चलो 12:30 बज गए ना। चलो भाई पैर इतना दुख रहा है ना गाइस, क्या बोलूँ। और फातिमा को तो बहुत चलाया मैंने, हमसे ज़्यादा तो हमारी इस मैडम का पैर दुख रहे हैं ना बेटा, पैर दुख रहा है सही में दुख रहा है। चलो अबू घर पर चल के पैर दबा देते तुम्हारा, ठीक है हाँ चलेगा ना। तो यहाँ पे अमीर भाई अपना सिम पोर्टिंग करवा रहे हैं, वोडाफोन में से एयरटेल कंपनी में जा रहे हैं। गाइस एयरटेल में अगर अपन पोर्टिंग करवा लेंगे ना तो अपने को साथ में एयरफोन फ्री मिलता है, तो अभी अमीर भाई का एयरफोन भी मिलने वाला है। यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग चालू है, तो यहाँ पे एयरफोन निकल रहा है। अमीर भाई अमीर भाई कैसा लग रहा है? एकदम रावस, एयरफोन मस्त मिल गया। ये गली से आने का था अपने को मैटर होने का था, अगर वहाँ से आते तो हम एडिटिंग के लिए रावस तो आराम से कर सकते हैं एडिटिंग। मैं आ गया हूँ घर पे, चलिए फाइनली आप लोगों को दिखाता हूँ कि सोलह खाने में क्या बनाए हैं। दिखाओ
भाई आलू लग रहा है, आलू और किसकी भाजी है? भाजी नहीं सालन हो। मिला तो मैं रहान से, कैसे हो मेरी जान? अरे मेरी जान कैसा, मेरी जान कलेजी माशाल्लाह। तो गाइस हम लोग बैठे हैं अभी खाना खाने के लिए, तो देखिए हमारा खाना निकल गया है। आइए गाइस खाना खाने के लिए आप लोग। तो गाइस मैं आ गया हूँ वसीम भाई घर पे, चलो दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं यहाँ पर पब्लिक क्या कर रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। देख दिया। अरे मेरा बादशाह कैसा है मेरा बादशाह? और क्या बोलते हो आप? बस अस्सलाम वालेकुम। किधर सजाया जाने बस बस अभी। तो गाइस मैं आ गया था अपने घर पे और अभी बच चुके हैं रात के 8:30 और मैं गया था दुकान पे गिफ्ट लेने के लिए। दरअसल गाइस मैं गया था ना, समझ लो मेरे को 8-10 घंटा लग गया क्योंकि दुकान पे इतनी भीड़ थी भाई। तो चॉइस किया मैंने, फिर पैकिंग वगैरह करा दिया इसलिए। और क्या बोलते अब्बा? अस्सलाम वालेकुम। चल रहे ना। चलो जल्दी जल्दी चलो फटाफट, मैं इस पे नाम लिख देता हूँ क्योंकि वो भाई साहब ने इतनी घाई गड़बड़ी में थे कि सिर्फ एक ही टैग मार दिए इसके अंदर, सिर्फ टैग लगा दिया, नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखे। खैर चलो कोई बात नहीं, अपन घर पे जाके लिख देंगे। तो चलिए फटाफट लिखते हैं, और थोड़ा ये छोटा है ना तो हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना गाइस? बहुत ही गंदी है तो मैंने कुछ भी लिख दिया, मतलब हैप्पी बर्थडे हसनैन गिफ्ट फ्रॉम यासिन और फैमिली लिख दिया मैंने, मतलब मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। और माशाल्लाह चलिए फटाफट, ओ हो गए तैयार, चलो जल्दी चलो अब्बा, चलो चलो फातिमा, चलो बेटा। सुनो एक बात बोल रहा हूँ तुम्हारे को, वहाँ ना वहाँ जाएंगे ना, ठीक है? तो रोना नहीं, ठीक है? सब भाई से खेलना, हाँ सब भाई से खेलेंगे ना, सब भाई के साथ खेलेंगे, ठीक है? प्रॉमिस करो नहीं रोएंगे, पक्का नहीं रोएंगे? अरे माशाल्लाह, प्रॉमिस करो नहीं रोएंगे ना, नहीं रोना मेरा बच्चा, ठीक है? हाँ रोना नहीं, अच्छे से भाई लोग से खेलना, सबके पास जाना, ठीक है मेरी प्यारी बेटी ना? चलो पप्पी दे दो अब्बू को। मेरा बच्चा है मेरी जान। दादा कहाँ है? दादा इधर है। चलो इसको थैली में डाल देना हमें। फातिमा को मैंने ले लिया हो गाइस, और देखिए अरहान को ले लिए हैं दादा ने। हाँ भाई लेके उतरो उसको नीचे, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, ठीक है? चलो बुरका पहने जल्दी। चलो जाओ, तुम भी जाओ। चलो बोलो दादा, चलो मैं भी आ रही हूँ। हाँ दादा मैं भी आ रही हूँ, ठीक है? चलो देखो वसीम भाई नीचे खड़े हैं। गाइस मैंने ना एक बात नोटिस किया हूँ, जैसे अपने को कहीं भी जाने का रहता है ना तो घर ना एकदम गर्म लगता है, अपने को पसीने पसीने पूरा मुंह पे पसीने आने लगते हैं, क्यों ऐसा होता? हाँ चलो कहीं जाओ ना तो ऐसे ही होता गर्मी एकदम। देखो ना मेरे को गर्मी ऐसे लगती नहीं है, लेकिन देखो अभी कितने पसीने पसीने हो गए, देखे दिख रहे हैं? क्या हुआ मम्मा तैयार हो गए? मम्मा को तो 10 घंटे बुरके पहनने में लगते मेरे बच्चे, नोज पीस सही नहीं है, दुपट्टा सही नहीं बांधे है ना, तुम भी ऐसे करेंगे? हाँ अरे माँ मेरी, मतलब सब लड़कियों की आदत रहती है लेट तैयार होना। ये देखो इनको मैडम को, हुआ क्या जी? हो गया। चलो जल्दी करो, पनवेल निकलना है। लाइट बंद, पंखा बंद। हाँ अरे हाँ यार लाइट नहीं तो मोहरी की चालू करो, रुको तो मोहरी की लाइट मैं चालू कर देता हूँ गाइस, ठीक है? चलो ये अपनी मोहरी की बोल रहा, सॉरी किचन की, यार घर का थोड़ा ना सामान में समझ भी नहीं आता मुझे। चलो मैडम अच्छा, तो वसीम भाई देखो कब से मेरे लिए नीचे रुके हैं, उसको ना मोबाइल लेके जा रहा ना। अरे भाई मैं मजाक नहीं करूँगा, मैं वो पैकिंग कराने गया था ना तो ना भाई आधा घंटा उधर ही लग गया मेरे को, इतनी पब्लिक और वो बेचारा एकदम रो हो गया, किसको दूं मैं, पागल हो गया था। तेरा अब्बा ने मेरे को कब से खड़ा करके रखा है। चलो इसको रखते हैं अभी तक जाग क्या जाते हैं अपन, इसको छोड़ कर आते हैं। जाओ ना बड़े अब्बू, चलो आ जाओ वसीम भाई घर पे, फातिमा को छोड़ कर आते हैं।
फिर हम लोग जा रहे केक लाने के लिए, ठीक है? हाँ, अब्बा लेके गए। चलो पास से यहाँ से चलो, चलो 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 मेरी स्लो मोशन, चलो मेरी स्लो मोशन। हाँ हाँ ठीक है भाई, चलो चलो। हाँ साथ में चले गए ना, एकदम कंपनी बन जाएगी ना, सब भूल जाएंगे। दो स्लो मोशन साथ में मिल जाएंगे ना, शबाना भाभी बस स्लो चलते हैं इसीलिए। अरे मेरा बादशाह, मेरी जान, क्या लेटी है मेरी कलेजी? गुलबा को देखो यार। अरे मेरा कलेजा यहाँ लेटा हुआ है, अरे देखो दूसरा कलेजा यहाँ पे लेटा हुआ है, और तीसरा कलेजा सो गया। देखो बर्थडे बॉय आराम कर रहा है, क्या बोलते अब्बा? अस्सलाम वालेकुम गाइस। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। नजमा भाई क्या बोलते हैं? वालेकुम अस्सलाम। और यहाँ पर पूरे घर की डेकोरेशन हो गई है अच्छी खासी एकदम। पकड़ो उसको, मैं जा रहा हूँ। बैठो मेरा बच्चा, बैठो, चलो खेलो भाई। तो गाइस हम लोग आ गए हैं 5 नंबर से। भाई इतना थक गया हूँ मैं, तुम 5 नंबर से, 6 नंबर थोड़ी ना, 5 नंबर का नाला तो 5 नंबर तो हो है, 5 नंबर 10-15 कदम मारेंगे, 6 नंबर तो वही होता गाइस, लगभग आगे पीछे हो जाता है, तो 6 नंबर 5 नंबर कहते हैं गाइस। बहुत हालत ख़राब हो गई है मेरी, और देखिए बर्थडे बॉय सो रहा है यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। बढ़िया केक कटेगा तब उठा, तू क्यों सो रहा है? इसको 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 गाइस, अरहान को देखो, अरहान देखो चिल्ला रहा है। फातिमा कैसे हो गई सबसे दोस्ती? खेल रहे भाई लोग के साथ में ना? देखे बाल खेल रही थी, अब्बू नहीं कर रही है अभी, बहुत खुशी हुई। थोड़ा टाइम मिल जाएगी ना सबके साथ में, बहुत खुशी हुई मुझे भाई। देखो आप जा रहे हो वापस, छोड़ जाने तो उसको बाहर जाने दो, मेरा अब्बा अच्छा रे। रोज बर्थडे करो तो बच्चे लोग रोज मिलेंगे, तो उसके बाद में सही में नहीं तो एक टाइम पे संडे को छुट्टी दे देना, संडे को एक फैमिली एक घर में जमा हो, नहीं तो एक एरिया लेने लगा मस्त एकदम चौकन सा, सब आओ उधर पे ही, बहुत बड़ा है। हाँ गार्डन वाला बहुत मजा आई थी ना, बहुत सही में उधर पे मजा आया, चले जाने का सब संडे को। कहाँ पहुँचे यहाँ पर सब अपने घर के बच्चे खेल रहे, फातिमा देखो वहाँ पर है, आहना है, हसना नहीं कि कौन है, समीर है, समीर है। और अब्बा यहाँ पर क्या देख रहे हैं? रील देख रहे हैं, शाहरुख खान को देख रहा हूँ। शाहरुख खान को देख रहे हैं, मत देखो भाई जवान को, जवान शाहरुख खान अभी बुड्ढा होने वाला है, जवान नहीं है, जवान तो ऐसी इंडस्ट्री में ऐसी पिक्चर निकली है, जवान आई डोंट नो गाइस, जवान कैसी है क्या है आई डोंट नो। हाँ अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जवान है गाइस, हमारा ब्लॉग देखे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? इधर तो रोज जवान रिलीज हो रहा है, रोज सबके जवान बाहर आ रही है, रोज सबके हक जवान बाहर आ रही है, तूने ऐसे क्या गाइज आप सब गौर से देख सकते हैं, ये भाई देखो, ये भाई साहब हमारे घर के सबसे एकदम खतरनाक हटके बच्चे हैं, ये कैसे आए हैं, इनकी एंट्री ही एकदम अलग, सबसे जुदा जुदा है गाइज। हम लोग सब गेट खोल के आते हैं, भाई साहब गेट के ऊपर जम मार के आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हसनैन भाई, कभी आए तुम? उमर भाई देखो 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 सबको रोजा, अरे दूसरे पागल, अच्छा हो ताला मारा हुआ है, वरना ना इसके टकले में बाजू वाले आंटी देते थे एकदम। सब बच्चे लोग आ गए गाइज, और अभी बैठ रहे हैं सब, मतलब केक काटने की। ये लोग को देखो, बच्चा लोग की नजर सब केक पे पड़ी है। बड़े अम्मी से सलाम दुआ नहीं कर रही है फातिमा? हाँ हाथ मिला तुम्हारा बच्चा? हाँ चुमो बड़े अम्मी का, चुमो चुमो चुम लो हाथ, हाँ चुमो जल्दी से चुमो, लाओ मैं तुम्हारा चुम लू दो। चलो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बोला भाई बच्चा छोटा, बेचारे को दिखा नहीं देता, वो बेचारे को नींद से उठा के यहाँ पर बर्थडे केक कटाने के लिए उसको बर्थडे नींद में से उठा दी, बेचारे के हाल नींद आमू देखो ऐसा है, इधर है एकदम। चाय वापस कर, अरे वाह, चलो पहला फोटो खींच, चलो फोटो हंसते हैं अब्बा को देख के, इधर का इधर का करो जगह जगह, क्या बोलते चलो कुछ नहीं, मैं क्या है फातिमा उसको गोदी में उठाना पड़ेगा। एक बवाल आती फूट गया, अरे फातिमा मेरा बच्चा रोना नहीं, ठीक है मम्मा की गोद में रहना, रोना नहीं। तो ये मेरे तरफ से और सौलिया की तरफ से हसनैन को लाइव में को देते जा रहा है। थैंक यू बोलते, थैंक यू, वेलकम। तो रहान बाबू गया बड़ा अब्बा के पास, ये जाता है बंदा, ये टेंशन नहीं है सर, झटका मारा है, झटका मारता है। अरे बाप रे बाप, बैठो ना बच्चे लोग बैठो, क्या मीटिंग चल रही है तुम्हारी, क्या मीटिंग चल रही है तुम लोग की? आप ऐसा पकड़ता हूं मैं, डाल रहा हूं। हसने क्या हुआ बेटा? कुछ भी नहीं हुआ,
तो गाइस अपना भी केक आ गया। हाँ डाल दो डाल दो। हाँ लेटो मेरा बच्चा, रोने का नहीं, ठीक है रोने का नहीं, बस कुछ भी करो बस रो मत, चलो चलो हेलो। हाँ लो थोड़ा आराम को भी चढ़ा भाई, समझ है मैं। और यहाँ पे हसनैन, हसनैन भाई तुम्हारा बर्थडे खत्म, इज्जत खत्म तुम्हारी, ठीक है चलो। हाँ भी बोल रहा है तुम दोनों ना। और फातिमा को देखो, फातिमा क्या कर रहे बेटा, चलो इधर भाई लोग के साथ खेलो। और क्या बोलता है छुट्टी ऐसा ही। तो गाइस अभी हम लोग जाएंगे घर पे खाना ना खाने के लिए, माशाल्लाह केक खा के चूड़ा वाला बेफर वेफर खा के, हेलो देखो पागल हो गए सब लोग। तो चूड़ा वाला खा के बेफर वेफर खा के माशाल्लाह पेट एकदम फुल हो गया है, तो अब खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। और अभी तो बस आज की वीडियो इधर एंड करते हैं, वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अपना प्यार से ऐसे ही बनाए रखें।